शाबिज लाइफ में फिर से एक बार बहुत बहुत वेलकम है आप सबका। जनाब आज हम आपको दिखाएंगे अपने कुछ जो है वो आई शेडोज जो कि बहुत ही यूनिक लगे मुझे, मुझे लगा कि मुझे आप सबके साथ ये शेयर करने चाहिए। एंड दिस इज़ नॉट मेड इन पाकिस्तान, ये बेसिकली बाहर से आए हैं, गिफ्ट आया है मुझे the world still is the same. और इस वजह से मैंने सोचा कि आपके साथ क्यों ना मैं इसको शेयर करूं। ये बेसिकली ग्लिटर लूज आई शेडोज हैं जो कि अक्सर गर्ल्स यू नो जब ग्लिटर आई मेकअप करती हैं तो वो यूज़ करती हैं। जैसे कि मैंने अपने अपनी पिछली वीडियो में भी दिखाया है आपको, वो ग्लिटर आई मेकअप था और उसमें भी शेड्स थे, बट ये एक अलग से होता है। जो लोग मतलब मेकअप एक्सपर्ट हैं वो जानते होंगे और मेरे व्यूवर्स में भी कुछ ऐसे हैं जो जानते होंगे इस चीज़ को कि ये स्पेशली जो है वो आई मेकअप के लिए यूज़ होते हैं। Are you sure about that? So time waste किए बिना आप लोगों को मैं ले चलती हूँ अपने इस बॉक्स की तरफ। इसको करते हैं ओपन। This is like that. Oh my God! Wow! Look, ये all shades हैं, okay? और two are missing because I think मैं उसको घुमा चुकी हूँ, but it's okay। जो हैं शेड्स वो मैं सब आपको वन बाय वन दिखाना चाहूँगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त कलर है इनके अंदर, ये बेसिकली शिमर आई शेड्स हैं। इसको आप एज अ ग्लिटर आई मेकअप के लिए यूज़ करते हो, जैसे कि मैंने पहले बताया है। ये इस तरह से हैं कुछ और ऐसे ऊपर से ओपन हो के ये आपको जो है वो आपके हाथ पे आता है, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो जैसे भी आप अपना आई मेकअप लगाना चाहो उस तरह से। सो दिस कलर इज़ लाइक दैट। ये ग्लिटर लूज आई शेडोज हैं, ये मेड इन पाकिस्तान नहीं है, ये मुझे बाहर से गिफ्ट आया है। सो मैंने चाहा कि आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर किया जाए। ऑब्वियसली आप सब भी यूट्यूब फैमिली हो ना, तो इसलिए। सो दिस वन इज, और उसके अलावा जो है वो ये है, ये डार्क ग्रे कलर है जैसे कि आपको दिख रहा होगा कैमरा में। ये बेसिकली डार्क ग्रे कलर है, और ये सब के सब ही जो हैं वो शिमर हैं। ये ऐसा नहीं है कि मतलब कोई एक बीच में से क्या उसको बोलते हैं सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं। सब जो हैं वो ग्लिटर हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े के हैं, शिमर भी बोल सकते हो, ग्लिटर जो आपको अच्छा लगे। एक ये कलर है गोल्डन कलर, और मैं खुद इतनी मतलब खुश हुई थी ये देख के, क्योंकि मुझे ये आई शेडोज बहुत पसंद है। मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी जो चीज़ें दिखाई, अगर आपने नहीं देखी तो आप लाजमी उस वीडियोस को देखो जाके। उधर भी मैंने आपको बताया था कि ये जो मेकअप है ये करना जितना दिखने में अच्छा मतलब लगता है ना, उतना करना आसान नहीं है। ये थोड़ा सा ट्रिकी मेकअप होता है, जो ग्लिटर मेकअप होता है, शिमर मेकअप होता है, तो जिनको करना आता है वो तो ब्लेस है भाई, मेरे पर कोई नहीं सीख लेंगे, इतना मुश्किल भी नहीं है। और ये कुछ इस तरह से है, पर्पल कलर है, लाइट पर्पल कलर, और सब ही शिमर में है। इसके अलावा यहाँ पे एक लाइट, आप इसको सिल्वर कलर भी बोल सकते हो, बट जो है बहुत ही लाइट कलर शिमर का। ये सब आपको लोगों को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि ये बेसिकली बहुत जो है ना वो हेल्पफुल रहते हैं। आप लोगों को अलग से जो है वो आई शेड्स नहीं लेने पड़ते हैं शिमर में, ऐसे ये किट ली हो तो ये मतलब आपकी चल जाती है, आई थिंक फुल लाइफ चल जाती है, क्योंकि ये क्वांटिटी में भी काफ़ी अच्छे होते हैं और क्वालिटी तो आपको पता ही है कि आउट ऑफ कंट्रीज़ की कैसी होती है, बहुत ही ज़बरदस्त होती है। और अभी न्यू आया है और मैंने दो घुमा भी लिए हैं, बस क्या करें थोड़े से लापरवाह किस्म के। एक ये है, ये लाइट जिंक कलर है, जैसे कि आई थिंक मेरे नेल कलर के साथ मैच हो रहा है, ये लाइट जिंक कलर है। आप थोड़ा जो है इसको डार्क लगाना चाहो तो आप थोड़ी इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको लाइट मेकअप में भी यूज़ कर सकते हो।
वैसे तो शिमर मेकअप जो है लाइट मेकअप में नहीं आता, बट एक ये कलर है इस तरह से जनाब। ये सब कलर्स हैं, सब कलर्स दिखाने का आपको सिर्फ इतना सा मकसद है क्योंकि मैं अपनी जो है वो हैप्पीनेस आपके साथ शेयर करना चाहती थी, सो इसलिए दिखाया मैंने। ये बेसिकली ग्लिटर है और ग्लिटर मेकअप तो हर लड़की का फेवरेट होता है। अच्छा कुछ इसमें कलर जो है वो सेम नहीं, सेम नहीं है, मुझे लगा सेम है बट नहीं, थोड़ा सा फिर भी है डिफरेंट। ओके जी, और इसके अलावा जनाब यहाँ पे एक और कलर है, ये इस तरह से है और अब आपको क्लियर ही नज़र आ रहा होगा। इसको मैं अब थोड़ा सा आपको जो है वो लगा के भी दिखाती हूँ। इसको लाइक आप निकाल सकते हो जहाँ आपको फिजिबल हो। ये इस तरह से है, ये एज अ हाइलाइटर भी यूज़ हो सकता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, शाइनी शाइनी सा है, ग्लिटर है तो क्योंकि जो है वो इसमें इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती है पाकिस्तान में, मिलती भी है कुछ प्रोडक्ट्स की बट जो आउट ऑफ कंट्री प्रोडक्ट्स होती हैं वो ऑब्वियसली जो है वो काबिल तारीफ होती हैं, हमारे पाकिस्तान की चीज़ें भी बहुत अच्छी होती हैं बाकी वहाँ की भी। सो ऑल कलर्स हैं, मतलब ऑल कलर हम लोगों ने बचपन में मेरा ख्याल सेवन कलर जो है वो पढ़े हैं, लेकिन जैसे ही मेकअप की दुनिया में आए हैं तो हमने जाना है कि भाई कलर जो हैं वो और भी होते हैं, सिर्फ सेवन कलर्स नहीं होते, पीले नीले से निकल आए हैं। तो ये देखिए, मतलब हर कलर को आप दूसरे कलर के साथ लगता है कि जैसे सिमिलर है बट ऐसा नहीं है, हर कलर की अपनी जो है वो परफॉर्मेंस भी है और अपना उसका जो है वो प्यारा भी लगता है। ये कुछ इस तरह से है, और जो लोग कमेंट्स करते हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, आप लोग मतलब इसी तरह सपोर्ट करते रहा करें और इसी तरह जो है वो बनाए रखें अपना प्यार मेरे साथ, क्योंकि जो है वो क्या हो गया तुझे। ओके तो ये सो ये एक ये है, इसी तरह से बाकी भी सब कलर्स हैं जो कि मैंने आपको दिखाना चाहा, और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों को अपना जो ये है किट, बेसिकली इसको ग्लिटर आई शेडो बोलते हैं, लूज आई शेडो है, ये बहुत ही लाइट मेकअप जब आप करते हो तो आप इसको एज अ यू नो क्या उसको बोलते हैं हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही लाइट कवरेज है इसकी, बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब कि वो चमका चमका नहीं कर देना, चमक दमक नहीं होनी इसमें ये बहुत लाइट है, अच्छी क्वालिटीज यू नो फिर जनाब तो ये थे मेरे सारे कलर्स जो कि मैंने आपको दिखाने थे, और ये थी बेसिकली मेरी ग्लिटर लूज आई शेडो किट जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे लगा कि मुझे आप सबके साथ शेयर करना चाहिए, सो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। आप लोग लाजमी कमेंट्स में बताइएगा आपको कौन सा कलर अच्छा लगा और ये किट कैसी लगी, लाजमी मुझे अपने रिव्यूज़ दीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसी तरह सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, ओके तो जो है जनाब इंशाल्लाह इस वीडियो में अब तक इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।